एवरीवन, इट्स मी शीतल एंड यू वाचिंग स्टनिंग क्रिएशन चैनल। बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अब तक पूछा है कि यूएसए की शॉप्स कैसे होते हैं, इंडिया और वहाँ में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो काफ़ी कुछ मुझे अभी तक देखने को मिला और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप मुझे काफ़ी यूनिक लगे हैं। तो मुझे लगा कि जो यूएसए के जो यूनिक शॉप है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मैं अभी जा रही हूँ हॉबी लॉबी, एक शॉप है जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी क्रिएटिव आइटम्स वहाँ मिलते हैं रिलेटेड टू डेकोरेशन एंड क्राफ्ट। एज यू ऑल नो कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पास में है, लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे विजिट की थी तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे दिखी, तो आई थॉट टू बी शेयरिंग विथ यू, सो लेट्स गो। इसके मोर देन 850 ब्रांचेस हैं पूरे यूएसए में। ये एक लार्जेस्ट स्टोर है क्राफ्ट एंड आर्ट्स का पूरे वर्ल्ड में। बट आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा इनके और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डेकोरेशन आइटम, फैब्रिक, फ्लोरल, वेडिंग सप्लाइज, कार्ड, पार्टी वियर, होम एक्सन, एंटिक पीसेज इनके काफ़ी सुंदर हैं। क्रिस्टल आइटम्स बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ के। आई ट्राई टू कवर डेकोरेशन सेक्शन बिकॉज शॉप इज़ वेरी बिग एंड पार्ट टू वीडियो विल बी अबाउट क्राफ्ट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट स्किप दैट। सो नाउ वी आर एट होम एट शॉप एंड यू कैन सी कि यहाँ के ये सारे क्रिस्टल के डेकोरेटिव पीसेज हैं। दीज आर सो ब्यूटिफुल, सो इम्प्रेसिव, सो एंटिक पीसेस। पूरा क्रिस्टल है एंड दीज आर डायमंड्स, बर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत है। क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे कुछ एंटिक पीसेस दिख रहे हैं मुझे, सो लेट्स गो, देखते हैं एंटिक पीसेस में क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ दिस आर फ्लावर सेक्शन और इन फ्लावर्स को देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। हर वैरायटी का और हर कलर के फ्लावर्स इनके पास हैं। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ नॉट लुकिंग आर्टिफिशियल एट ऑल। और ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट इन्होंने रखा हुआ है, सेक्शन रखा हुआ है फ्लावर्स का। फ्रेंड्स, आई नो ये वीडियोस लेंदी लग रहे होंगे बट बिलीव मी आप बोर नहीं होंगे। यहाँ के शॉप्स काफ़ी बड़े और काफ़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मैं आपको हर पार्ट कवर करके दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू कैन एंजॉय दी वीडियो। बट अगर आपको बोर लगता है या लेंदी लगता है तो डू कमेंट मी सो दैट आई विल कट शॉर्ट दी वीडियोज़ इन पार्ट। ये फ्लावर्स कितने ओरिजिनल लग रहे हैं, लुक एट दिस लीव्स एंड एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ पे, इन्होंने कलर वाइज भी अलग अलग फ्लावर्स को रखा हुआ है कि रेड कलर अलग है, वाइट अलग है एंड येलोज अलग है। आई रियली लविंग ऑल दिस थिंग्स। जिनको डेकोरेशन से प्यार है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव दिस शॉप। एंड अगेन, अगर यहाँ आपके यहाँ से कोई आता है तो यू कैन आस्क देम कि हॉबी लॉबी भी वो ज़रूर से विज़िट करें। सी दिस इज़ ऑफ $199। यहाँ पे ये ग्लिटर्स के फ्लावर्स रखे हुए हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ विंटर आने वाला है तो स्नो सीज़न है, स्नो में पीपल लव वाइट, सो ये पूरा वाइट सेक्शन है एंड ये ग्लिटर से पूरा डेकोरेट किया गया है इस फ्लावर को। दिस इज गोल्डन एंड सी द क्वालिटी ऑफ दिस फ्लावर, दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड इट्स सो गुड एंड दिस इज ऑफ $399। सो ये पूरा ग्लिटर्स के जो फ्लावर्स है इसका एक अलग पार्ट है। नाउ कम टू दिस साइड, ये यहाँ पे इनके प्लांट्स थे, पूरे प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं एंड फ्रेंड्स दिस इज आल्सो आर्टिफिशियल। सो आई थिंक जिसके घर पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस
जिसको पसंद नहीं है वो डेफिनेटली इन सारे फ्लावर्स को ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी 50% ऑफ यहाँ पे चल रहा है, तो सब चीज़ें 50% ऑफ में मिल रही हैं आपको, किसी में 40% है, बट मैक्सिमम चीज़ें आपके यहाँ पे 50% ऑफ हैं। ये पूरे पॉट के साथ हैं एंड दिस इज ऑफ $29, इसमें 50% ऑफ है। सनफ्लावर सो ब्यूटीफुल। नाउ हम अब चलते हैं क्रिसमस सेक्शन की तरफ। ये पूरा क्रिसमस सेक्शन काफ़ी बड़ा है और अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टॉक इन्होंने ओपन भी नहीं किया है, बट फिर भी देखिए कि इन लोगों ने जितना भी ओपन किया है कितनी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन के लिए। ये पूरा वाइट एक सेगमेंट है, लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल कैंडल। और ये देखिए इसमें जेल लाइट और लैम्प जैसे ये क्रिस्टल के प्लांट्स हैं, ये भी सारे 40% ऑफ में मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्री हैंगिंग के लिए सेंटा, कितनी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट ट्रीज़ भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं और सारे वैरायटीज़ हैं, मीन्स स्मॉल लेवल से लेके बड़े बड़े ट्रीज़ तक यहाँ पर रखे हुए हैं। ये पूरा आप देखिए दूर दूर तक ये पूरा क्रिसमस का ही पार्ट है। और आई थिंक जैसे ही क्रिसमस पास आएगा इनका और भी ये सारे स्टॉक्स मुझे दिख रहा है, ये सारे स्टॉक्स और ओपन हो जाएंगे, तो उस समय एक्सप्लोर करने में शॉप को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये सारे बॉल्स हैं जो ट्रीज़ के ऊपर हैंग किया जाता है एंड ये पूरे डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये देखिए पूरे ये हैंगिंग बॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं सिल्वर एंड गोल्डन, अगेन टू डिफरेंट सेक्शन। सो हर चीज़ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, यू कैन सी दिस इज़ वाइट सेक्शन, पूरे ये ट्री हैंगिंग्स की चीज़ें हैं यहाँ पे। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगता है कि आप किसी भी शॉप में जाइए, नोबडी कैन कम एंड डिस्टर्ब यू, दे विल आस्क वंस कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, उसके बाद आप आराम से अपना एक्सप्लोर कर सकती हैं शॉप को। एक एक चीज़ यहाँ पे बाहर निकाल के रख दिया जाता है कि आप आराम से उसको चेक करिए, पसंद आता है तो आप लीजिए। और इनफैक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप इसे आराम से अगर आपको पसंद नहीं आया तो यू कैन रिटर्न इट, आप वापस कर सकती हैं, यहाँ पे एक्सचेंज वाला कोई भी टेंशन नहीं है। ये सारे मैं अभी आपको हैंगिंग्स दिखा रही हूँ और लुक एट दिस, दिस इज डॉल्स। ये जो फोटो फ्रेम्स हैं यहाँ पे ये सिंपल नहीं है, ये काफ़ी यूनिक है और ये जिस भी चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि ये पूरा वुड का बना हुआ है, सो एंटिक पीसेस हैं यहाँ पे, ये पूरे एंटिक बॉक्सेस हैं, यहाँ के लोग काफ़ी एंटिक चीज़ें पसंद करते हैं। स्मॉल साइज़ से लेके काफ़ी मीडियम साइज़ तक यहाँ पे बॉक्स रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे बेबी शावर होता है, तो ये जो डेकोरेशन ब्लू कलर्स के दिख रहे हैं आपको, ये फॉर बॉयज़ हैं एंड दिस पिंक कलर इज़ फॉर बेबी गर्ल। सो ये बेबी शावर के डेकोरेशन आइटम है, ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे यहाँ पे, इंडिया में शायद इतने वैराइटीज़ नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये भी सेगमेंट अलग अलग है, मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके कैप्चर करूँ। ये पूरा अभी डेकोरेशन सेक्शन में ही हूँ मैं और अभी क्राफ्ट की तरफ नहीं गए हैं। आई थिंक क्राफ्ट का जो सेक्शन है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में ही दिखा पाऊँगी। लुक एट दिस फ्लावर्स, ये जो बेल होता है फ्लावर के वो हैं, ये पूरा इस तरीके का बेल है। ये बास्केट्स हैं पूरे यहाँ पे, काफ़ी वैरायटीज़ हैं बास्केट की भी।
ये कैंडल स्टैंड होल्डर है यहाँ पे, और कैंडल स्टैंड का भी आप देखिए वैरायटी कितने सारे हैं। ये वॉल कैंडल हैंगिंग है। एंड नाउ कमिंग दिस साइड, आप ये देखिए ये स्टोन के बने हुए हैं, कुछ वुड के हैं कैंडल स्टैंड। सो ये मिक्स एंड मैश यहाँ पे रखा हुआ है, वुड मार्बल एंड स्टोन के वो रखे हुए थे। ये अगेन मेटल के हैं, आयरन के हैं ये, और ये वॉल के लिए है। ये देखिए ये पूरे क्रिस्टल के हैं, ग्लास का बना हुआ है कैंडल स्टैंड है ये भी। लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये पूरे क्रिस्टल के कैंडल स्टैंड है। काफ़ी वैरायटी है और हर रेंज है इनके पास। नाउ दिस इज लैम्प सेक्शन। मैं आपको काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट करके ही दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा सेक्शन है, तो मुझे जो यूनिक लग रहा है मैं आपको सिर्फ वही कैप्चर करके दिखा रही हूँ। लैम्प की भी देखिए आप यहाँ पे कितने सारे वैरायटीज़ हैं। वॉल एंड टेबल लैम्प दोनों ही है यहाँ पे। ये पूरा वाइट कलर का यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ के लोगों को काफ़ी डिसेंट कलर पसंद है, ये बहुत ज़्यादा गॉडी कलर को पसंद नहीं करते। इनफैक्ट आप घर पे भी देखेंगी तो कहीं पर भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि काफ़ी गॉडी कलर इन्होंने यूज़ किया होगा। नाउ दिस इज एंटिक शो पीसेस। ये देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हैं। जिन लोगों को, जो एंटिक लवर लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ से परचेज करिए सामान। और काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन आइटम है यहाँ पे, देखिए। ये पूरा एंटिक पीसेस है एंड दिस आर सो ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ पे ये स्टैचूज हैं पूरे, ये लैम्प इज अगेन एंटिक लैम्प। ये वेडिंग डेकोरेशन आइटम है यहाँ पे, पूरा वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। वेडिंग में यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं डेकोरेशन के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे ब्राइड के लिए कुछ हेयर एसेसरीज भी रखे हुए हैं। एक ग्लास सेट रखा हुआ है यहाँ पे। एंड लुक एट दिस, दिस इज सो यूनिक। वन इज फॉर बॉय एंड वन इज फॉर गर्ल, ग्रूम एंड ब्राइड। ये कुछ लेटर्स रखे हुए हैं, मीन्स ये सारी चीज़ें डेकोरेशन रिलेटेड हैं। ये एंटिक शो पीसेज यहाँ पे मुझे कुछ और दिख रहे हैं। ये कुछ लैम्प्स हैं यहाँ पे, और ये देखिए आप क्ले का बना हुआ है सब। फ्लावर्स का ये अगेन वही पार्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। नाउ कमिंग दिस साइड, ये शादी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। आई होप फ्रेंड्स आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ अभी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई नो फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट होके इन सब चीज़ों का एक्सप्लोर करना और वीडियोस में एक्सप्लोर करना दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। देन टू आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पे कैसी चीज़ें मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कुछ कैप्चर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे एक्सप्लोर करने में। आई बिलीव कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा मेरे साथ इस शॉप को एक्सप्लोर करने में। और आपने देखा है यहाँ पे कितनी एंटिक और यूनिक चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी कितनी अच्छी रहती है और एक एक चीज़ में कितनी सारी वैरायटी है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहती हैं, किसी और सेक्शन या किसी प्रोडक्ट के रेट के बारे में जानना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेके आ सकूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो अब्रॉड में है। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।